हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग सेट ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने सेट यूनियन ऑपरेशन, सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन, सेट डिफरेंस ऑपरेशंस डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सेट सिमेट्रिक डिफरेंस लर्न करेंगे। आई होप आपने इसको देखने से पहले मेरे प्रीवियस वीडियो सेट ऑपरेशन के देख रखे हैं और कम से कम मर्ज एरे का कॉन्सेप्ट तो आपने जरूर देख रखा है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये जो मर्ज एरे का जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे सेट सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने के लिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1 2 4 5 7 9 और 10, और एक मेरे पास एक और सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें एलिमेंट है मेरे पास लेट्स से 0 2 3 9 15 17 एंड 20। तो सेट सिमेट्रिक डिफरेंस ये कहता है कि जो एलिमेंट्स कॉमन हैं दोनों एरे के उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स हमें इंक्लूड करना चाहिए। इसका मीनिंग सिंपली ये है कि हमारे पास a माइनस बी अगर है और मेरे पास अगर b माइनस ए है, तो अगर हम इन दोनों का यूनियन कर दें तो ये हमें सेट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑब्टेन करके दे देगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो मुझे ये दिख रहा है कि आप पहले ये डिफरेंस b फाइंड कर लो, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में किया था। फिर आप बी डिफरेंस ए कर लो एंड देन दोनों का यूनियन कर लो। इस केस में मुझे तीन फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। मैं इस काम को थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकता हूँ और तीन फंक्शंस मुझे उस केस में कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कि हम सेट सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सेट सिमेट्रिक डिफरेंस को ऑब्टेन करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि आई मेरा फर्स्ट एरे में या फर्स्ट सेट में पहले इंडेक्स पे है और जे मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है सेकंड एरे के, और अगर ए आई और बी जे में से बी जे छोटा है तो उसका इंक्लूजन होना चाहिए सेट में। तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया और जे को आगे बढ़ा दिया। फिर मैं 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूँ। 1 एलिमेंट छोटा है ए आई का, इसको भी इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया और आई को बढ़ा दिया आगे। अब आप देख सकते हैं कि आई और जे पोजिशन वाले एलिमेंट्स कॉमन है जिसका इंक्लूजन सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा और आई और जे को सिंपली आगे बढ़ा दूंगा। इसके बाद मैं 3 और 4 को कंपेयर कर रहा हूँ। 3 मेरा एलिमेंट छोटा है, इसका इंक्लूजन हो जाना चाहिए, इसलिए मैं जे को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। फिर मेरा कंपैरिजन 4 और 9 का है। 4 छोटा एलिमेंट है, इसको इंक्लूड करना चाहिए, आई को आगे बढ़ा दिया। फिर 5 एलिमेंट छोटा है, इसका इंक्लूजन होना चाहिए, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। फिर 7 9 से छोटा है, इसलिए मैंने 7 को इंक्लूड कर लिया। और इसके बाद 9 और 9 कॉमन एलिमेंट है, इसका इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करता हूँ और आई और जे दोनों को आगे बढ़ा देता हूँ। इस केस में 10 छोटा है, 10 का इंक्लूजन होना चाहिए फाइनल सेट में, इसलिए मैं 10 को इंक्लूड करके आई को बढ़ाता हूँ। जैसे आई को मैं बढ़ाता हूँ, आई अपने लिमिट को एक्सीड कर जाता है। इस केस में मैं जे के या बी एरे के बचे हुए एलिमेंट्स को 1 बाई 1 सिमेट्रिक डिफरेंस वाले सेट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस से दोनों का यूनियन करना है, इसलिए रेसिडुअल एलिमेंट्स जो होंगे बी के उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। सिमिलरली अगर बी एरे खत्म हो जाता है और मेरा जे एक्सीड कर जाता है लिमिट को, तो ए एरे के बचे हुए एलिमेंट्स को हम 1 बाई 1 फाइनल सेट में ऐड कर देंगे। तो इसका मीनिंग सिंपली ये है कि मुझे जो इंक्लूजन करना है उसमें केवल कॉमन एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करना है, बाकी सारे एलिमेंट्स का इंक्लूजन करना है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। लेट्स से मेरे पास ए में एलिमेंट्स हैं 5 10 15 20 और 25, और बी में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 10 20 22 23 एंड दैट्स ऑल। तो अगर मैं इसमें इंक्लूजन स्टार्ट करूं, मैं 5 और 10 को कंपेयर कर रहा हूं और आई मेरा फर्स्ट एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे है और जे मेरा फर्स्ट सेकंड एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे है। 5 एलिमेंट छोटा है, इसका इंक्लूजन होना चाहिए, आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब हम 10 और 10 को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट कॉमन है, इसलिए हम जे को आगे बढ़ा देते हैं और आई को भी आगे बढ़ा देते हैं। तो 15 और 20 में 15 छोटा है, अब इसलिए हम 15 को इंक्लूड कर लेते हैं और आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब 20 और 20 कंपेयर हो रहे हैं, दोनों कॉमन एलिमेंट्स, इसलिए इसका इंक्लूजन नहीं होगा, इसलिए हम आई को आगे बढ़ा देते हैं और जे को आगे बढ़ा देते हैं। फिर अब 22 छोटा है 25 से, इसलिए इसका इंक्लूजन होगा, जे को इंक्रीमेंट करते हैं। और इसके बाद 23 छोटा है 25 से, इसलिए 23 का इंक्लूजन होगा और हम जे को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम जे को आगे बढ़ाते हैं, जे अपने लिमिट को एक्सीड कर जाता है और फर्स्ट एरे के बचे हुए एलिमेंट्स मुझे 1 बाई 1 इंक्लूड कर देना चाहिए सिमेट्रिक डिफरेंस वाले पार्ट में। तो मेरे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी ऑप्टेन हमने कर लिया। इसमें हमने देखा कि ए के रेसिडुअल एलिमेंट्स को हमने फाइनल एरे में ऐड किया। तो यही हम करेक्शन कर लेंगे इस एल्गोरिथम में, जो मर्ज एरे की एल्गोरिथम है, इसमें हल्का सा करेक्शन, बहुत ही स्लाइट करेक्शन करना है हमने। दिस विल बिकम द एल्गोरिथम फॉर सेट सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मुझे क्या करना है कि अगर ए आई एलिमेंट छोटा है बीजे से तो उसको इंक्लूड करना है। अगर हमने उसको इंक्लूड किया है तो आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस होगा। इसके बाद अगर बी आई छोटा है ए आई से, बीजे छोटा है ए आई से, तो भी इंक्लूड होना चाहिए। तो हम इसको कंडीशनल कर देते हैं कि अगर बीजे छोटा है ए आई से तो इस एलिमेंट का इंक्लूजन होना चाहिए। तो हमने इस एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया। और इसका एक एल्स और लगा लेते हैं। इस एल्स का सिंपली मीनिंग ये है कि बीजे एआई से छोटा नहीं है, ना ही एआई बीजे से छोटा है। इसका मतलब कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं। अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली इसका इंक्लूजन नहीं होगा। हम सिंपली आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकें। जब हमारे पास कंपेरिजन के लिए एलिमेंट्स फिनिश हो जाएंगे दोनों एरे से, तो 2 नंबर लूप हमारा चलेगा, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि अगर ए एरे के एलिमेंट्स कुछ रिमेनिंग है तो हम उनको 1 बाय 1 फाइनल एरे में ऐड कर देंगे। और हम फिर 3 नंबर लूप भी चलाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर बी एरे के कुछ एलिमेंट्स बच गए तो उनको 1 बाय 1 सी एरे में इंक्लूड कर लिया जाएगा। नाउ ये जो 2 नंबर लूप है या जो 3 नंबर लूप है, दोनों में से एक ही फंक्शनल होगा। एक बाद में दूसरे की एंट्री कंडीशन फेल हो जाएगी और फाइनली हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का एरे रिटर्न कर देंगे रिटर्न सी स्टेटमेंट से। आइए इसको रन करके देखते हैं। हमने पहले से ही एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि हमने ऑर्डर्ड इंसर्शन करके 2 सेट्स बना लिए हैं, ए और बी सेट्स। ट्रैवर्स करके भी उनको देख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का एल्गोरिथम बनाते हैं। तो लेट्स से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी नाम का एक मेरा फंक्शन है जिसमें ए एरे पास हुआ, उसमें m एलिमेंट्स है, जिसमें बी एरे पास हुआ है और उसमें n एलिमेंट्स हैं। तो आइए इसको इंक्लूड करने के लिए या इसको राइट करने के लिए हम सबसे पहले मर्ज एरे का कोड लेते हैं और मर्ज एरे के कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। स्लाइड करेक्शन उसमें करेंगे एंड दैट विल बिकम द कोड फॉर द A symmetric difference A. So this is the code for merge array and we have copied it. Let's paste this and make this appropriate correction such that it becomes the algorithm for the asymmetric difference A. So let me first change the name of the algorithm. So asymmetric difference B, and then इसमें pass किया हुआ है A array जिसमें m एलिमेंट्स हैं, b एरे जिसमें n एलिमेंट्स हैं, एक c एरे लिया जिसको हमने माना है कि आंसर एरे मेरा है। i, j और k ये इंडिकेशंस हैं या ये पॉइंटर्स हैं या ये कह सकते हैं आप ये आइटरेटर्स हैं एरे के लिए। i आइटरेटर है फर्स्ट एरे के लिए, j सेकंड के लिए और k जो है वो फाइनल एरे c के लिए। जब तक कंपैरिजन पॉसिबल है, इसका मतलब है कि जब तक i और j दोनों अपनी लिमिट्स में है हम कंपैरिजंस करते हैं। अगर ai छोटा है bj एलिमेंट से तो उसका इंक्लूजन होगा, और अगर बीजे एलिमेंट छोटा है ए आई से तो इसका भी इंक्लूजन होगा। तो अगर इसका इंक्लूजन होगा तो हम कहेंगे कि सी के इज इक्वल्स टू बीजे एंड के प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। लेकिन एक कंडीशन इसमें और लगाना पड़ेगा, एल्स वाला, जो हमें ये बताएगा कि ना ही ए आई छोटा है बीजे से, ना ही बीजे छोटा है ए आई से। उस केस में दोनों एलिमेंट्स इक्वल है जिसका इंक्लूजन हमें नहीं करना चाहिए। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स है जिसका हमें इंक्लूजन नहीं करना चाहिए। तो हमने ये ऐसा कर लिया एंड देन उसके बाद जो रेसिडुअल एलिमेंट्स हैं ए एरे के उसको इंक्लूड कर लिया सी एरे में। देन जो रेसिडुअल एलिमेंट्स हैं बी एरे के उसका भी हमने इंक्लूजन कर लिया सी एरे में। फाइनली हमने ट्रैवर्स करके देख लिया कि हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी अच्छे से चल रहा है या नहीं। सो वेल, ये जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का हमने नाम लिखा था, इसमें ऐसा अपर केस हो गया तो उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। और आई होप कि अब हमारा प्रोग्राम सही चलना चाहिए। सो ये हमारे रन करके आंसर्स हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो लास्ट में हमारी प्रिंटिंग हो रही है वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की प्रिंटिंग हो रही है, और ये जो ए एरे मेरा है वो ये है, या ए सेट ऊपर वाला है, बी सेट ऊपर वाला है। इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 10, 70 और 90 हैं और उन्हीं को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे एसिमेट्रिक बी में इंक्लूड होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम अगेन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।